हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 1 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 20 फरवरी को हमने विश्व पंगोलियन दिवस मनाया था, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को ही स्थापना दिवस होता है। और 21 फरवरी को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था हमने, और 22 फरवरी को हमने विश्व चिंतन दिवस मनाया था, और 27 फरवरी को हमने वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया था। देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि सीवी रमन ने फिजिक्स में रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को। इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, कब? 1930 में। ठीक है, ए सी वी रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड में हुक्का बार पर रोक लगा दी गई है। बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, और झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु को 3 वर्ष की कटौती की है? ठीक है, सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए जो संविदा कर्मचारी थे, पहले उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष थी, अब उनकी 3 वर्ष घटा के तो अब हो जाएगी 62 वर्ष। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी है भोपाल, भोपाल में भोजताल है, और देखिए गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। देखिए मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, और देखिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को। और देखिए 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। देखिए मध्य प्रदेश के राज्य की है, ठीक है, राज्य की क्या है? देखिए राज्य की पुष्प क्या है? लिली है। और देखिए राज्य की पशु है? बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी क्या है? दूतराज या साय बुलबुल, ठीक है। और वृक्ष क्या है राज्य की? एमपी का बरगद है। और खेल है मलखम्ब। और फसल कौन सी है राज्य की? फसल कौन सी है? सोयाबीन की फसल है। और राज्य की फल है आम है। और राज्य की नदी है नर्मदा। की गान क्या है यहाँ पे? मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। और नृत्य क्या है? राई। राई कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बात हो रही है देखिए बांग्लादेश की, तो देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और राजधानी है ढाका, और मुद्रा है टका। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या होती, क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, मैं इन सब की ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। देखिए रेड, रेड मतलब होता है, रेड किसके लिए होता है? खतरे का निशान होता है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चलती रहती है, तो हमेशा खतरा बना रहता है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? डूरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है, डूरेंट रेखा कहते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर हुआ था ना, तो दूर को हम पढ़ेंगे दूर, ठीक है। तो किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा होती है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैकमोहन, तो मैकमोहन देखिए मैक को हम पढ़ेंगे मेड। देखिए अभी हम, ठीक है, मैक को हमने पढ़ा मेड, मेड मतलब होता है मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना। आपने पढ़ा सुना होगा, देखिए मेड इन चाइना मोबाइल रहते हैं, और अब क्या है, मेड इन इंडिया भी चल रहा है अभियान, ठीक है, तो इस पर मैक को हम मेड पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 38B सामांतर रेखा कहते हैं। देखिए आप इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए जब किसी से लड़ाई चल रही होती है तो कहते हैं कि हम, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, लेकिन इस, ये तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में लड़ाई चलती रहती है, तो इससे और बड़े वाले हैं ये, दो और जोड़ दो इसमें, तो 38 हो जाएगा, ठीक है, 38B सामांतर रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। और देखिए अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली लाइन को कहते हैं 49B सामांतर रेखा, ठीक है। तो इसको देखिए अमेरिका, देखो अमेरिका तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है पैसे में सब में, तो ये देखो और बड़ा वाला है, तो ये 49वीं सामांतर रेखा इन दोनों को विभाजित करती है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष की टीम ने मिस्र के रा में
शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टकनपुर जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। और देखिए पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और भारत में रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है स्टेशन से ठाणे स्टेशन के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोप्पल में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक के गवर्नर बज्जू भाई बाला हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से? यक्षगान, ठीक है, और डोलू कुनीथा, ये इनके पत्ते हैं, ठीक है, डोलू कुनीथा। और देखिए नेशनल पार्क, प्रसिद्ध नेशनल पार्क कर्नाटक के प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकेदमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलचेरू राव को। और देखिए साहित्य अकेदमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। और देखिए ये हैं बेलचेरू राव और ये है साहित्य अकेदमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और राजधानी है ईटानगर और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और ये अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? टाइगर रिजर्व, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग टाइगर रिजर्व और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है। और देखिए पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अगर बात हो अकेली हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डापोरी जो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अमजोनिया वन एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसका परीक्षण किया गया है। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और देखिए इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। अभी के सिवन का एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राजधानी अमरावती, अमरावती है लेजिस्लेटिव और विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव। और देखिए कर्नूल है जुडिशियल और हैदराबाद है वित्तीय एवं आर्थिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और देखिए आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध झील हैं कोलेरू झील है और पुलकित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग का, ठीक है, इसका सही आंसर है राजस्व विभाग का। तरुण बजाज पहले वित्तीय मामलों के विभाग के सचिव थे और अब इनको अतिरिक्त भार राजस्व विभाग का भी सौंप दिया है। ये है तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। भी हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास में एकीकृत नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटरों का एक मेन हेड ऑफिस बनाया गया है जहाँ से सभी कंप्यूटर या कैमरा को नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने वाला है। कुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा। और देखिए कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, देखिए प्रयागराज, इलाहाबाद,
इलाहाबाद कहाँ पर? यूपी में। देखिए कहाँ पर? गंगा यमुना सरस्वती संगम पर होता है। और दूसरा देखिए नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे होता है। तीसरा है उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे होता है। और हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे होता है। ये 1 मार्च के हमने सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।